दिल्ली के गांवों को भी शहर बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। दिल्ली में सभी को मिलेगा आवास। दिल्ली में गांव के खेतों की जमीन पर बनेंगे बहुमंजिला फ्लैट, सोसाइटी और दूसरी सभी सुविधाएं। ये सब करने जा रही है डीडीए। दिल्ली में पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से लैंड पूलिंग पॉलिसी बीच में अटकी हुई थी। 2018 में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर तेजी से काम हुआ और कुछ संशोधनों के साथ दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू कर दी गई, जिसके तहत जमीन के मालिक अपनी जमीन को किसी बिल्डर के माध्यम से या सीधे खुद डीडीए में अपनी जमीन पूलिंग के लिए डालेंगे। इस सेक्टर के 70% जमीन मालिक लैंड पूलिंग के लिए अपनी जमीन अप्लाई कर देंगे तो वहां पर डीडीए पार्क, सड़कें, कम्युनिटी सेंटर, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, मार्केट आदि पब्लिक यूटिलिटी की जगह निर्धारित करके डीडीए वहां पर सड़क, पार्क, सीवर आदि का निर्माण करेगा और फिर वहां पर जमीन मालिक को उसकी जमीन के हिस्सेदारी के हिसाब से 60% जमीन वापस दी जाएगी। जमीन मालिक फिर खुद या किसी बिल्डर के माध्यम से बहुमंजिला बिल्डिंग बनाएंगे और उन टावरों में से अपने फ्लैट को बेचेंगे। इससे दिल्ली को काफी फायदा होगा। दिल्ली में बड़ी संख्या में खेतों में अनियमित ढंग से कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जहां पर सड़कें चौड़ी नहीं होती, बिजली पानी की व्यवस्था सही नहीं होती और किसी भी सामुदायिक कार्यों के लिए जगह भी कॉलोनी काटने वाले डीलर नहीं छोड़ते। अब इन सबसे निजात मिलेगी क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हुई है। फिलहाल लैंड पूलिंग पॉलिसी में किसानों व जमीन मालिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है और आशा है 2020 के शुरुआत में कुछ जगहों पर निर्माण तक शुरू हो जाएगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी में फिलहाल 70 लाख लोगों के लिए 17 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में भी शंघाई, सिंगापुर, पेरिस जैसे शहरों की तरह चमाचम करते शहर दिखेंगे। आवेदन फिलहाल दिल्ली के K1, L1, P2 और फिलहाल P1 भी शामिल कर लिया गया है। इन दोनों के आवेदक वेबसाइट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। डीडीए की लैंड पूलिंग के लिए बनाई गई वेबसाइट पर इनकी पूरी जानकारी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीडीए रसीद भी देता है, जिससे पता लगे कि कितने आवेदक आ चुके हैं। फिलहाल ये करीब 3 महीने से जारी है और 3 महीने तक इसी तरह आवेदन चलेंगे। डीडीए ने दिल्ली को कई जोन में बांटा है और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन जोनों के अंदर जो सेक्टर बनाए गए हैं, उन सेक्टर से जिस भी सेक्टर में 70% जमीन मालिक, किसान, बिल्डर आदि आवेदन करेंगे, वहां डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। जो लैंड पूलिंग पॉलिसी होगी उसमें ग्रीन बेल्ट के गांव बहुमंजिला बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। ग्रीन बेल्ट में वे गांव आएंगे जिनकी सीमाएं दूसरे राज्यों हरियाणा या यूपी से मिलती है। यदि किसी गांव की जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी भी दूसरे राज्य से चाहे कुछ ही गज मिलती है तो उस पूरे गांव को लैंड पूलिंग की इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, वह ग्रीन बेल्ट मानी जाएगी। ग्रीन बेल्ट में निर्माण के अलग नियम है जिसमें फार्म हाउस आदि होंगे। डीडीए में 70% जमीन के मालिकों को सहमत होना जरूरी होगा, बाकी के 30% को फिर डीडीए की धारा अपने आप अधिग्रहण करेगी, जिसका मुआवजा कंसोर्टियम देगा जो उस सेक्टर के मालिकों की एक संस्था होगी। इसके बाद डीडीए पूरी जमीन का मैप तैयार करेगी और उसमें पूरी प्लानिंग के बाद जमीन के जो ओनर थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी उसका 60% लौटाया जाएगा, 40% पब्लिक यूटिलिटी के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिसमें सड़क, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग मॉल, इंस्टीट्यूट आदि होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि कुछ लोगों का समूह 100 एकड़ जमीन डीडीए को देता है तो डीडीए विकसित कर उन्हें 60 एकड़ जमीन का प्लॉट देगी और बाकी 40 एकड़ पब्लिक यूटिलिटी के लिए छोड़ा जाएगा, जिसमें लोग अच्छे से दिल्ली में रह सके। उस 60% में फिर निर्माण करने के लिए डीडीए के नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन करते हुए बिल्डिंग बनानी होगी और उस बिल्डिंग के फ्लैट जमीन के मालिक खुद बेचेंगे, उन किसानों या जमीन मालिकों का ही होगा। लोगों को बड़ी संख्या में इस तरह से दिल्ली में फ्लैट आवास मिलने वाले हैं और वो भी सुनिए, जिस तरीके से अब जिन लोगों को फ्लैट लेने हैं, दिल्ली में आवास लेना है, वे अवैध तरीके से बसाई गई कॉलोनियों में घर न लेकर ऐसी सोसाइटी में घर लेंगे जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी। फिलहाल दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी तेजी से जारी है, खासकर जॉन पीटू के 2 सेक्टर में करीब 90% जमीन ओनर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और बहुत जल्द वहां काम शुरू हो जाएगा। कौन कौन से जॉन हैं?
कौन से गांव में आएंगे, किन किन गांव की जमीन दूसरे राज्यों से टच होती है जो ग्रीन बेल्ट में आएंगे, जहां पर आप इस तरह से फ्लैट नहीं बना पाएंगे। लैंड पूलिंग की पूरी विस्तृत जानकारी डबल ई न्यूज पर दी जाएगी। डबल ई न्यूज पर आप देखते रहिए लैंड पूलिंग का पूरा विश्लेषण। करीब एक सप्ताह तक ये विश्लेषण चलेगा। आपसे अनुरोध है, आप डबल ई न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, डबल ई न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें, डबल ई न्यूज की वेबसाइट www.doubleanews.in पर विजिट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डबल ई न्यूज। दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी मास्टर प्लान 2021 के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021, दिल्ली का जो डेवलपमेंट प्लान है वो DDA ने क्या बनाया है और इसका खरीदारों को, किसानों को और यहां रहने वाले दिल्ली के निवासियों को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसको हम MPD 2021 के नाम से भी जानते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और ये कहां कहां पर लागू होगी। पूरी दिल्ली को DDA ने 18 भागों में डिवाइड किया है, जिनको हम जोन के नाम से पुकारते हैं, अर्थात 18 जोन में बताया गया है, जिसमें से 5 जोन दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान के लिए नए सिरे से लागू किए जा रहे हैं, जिनमें जोन P1, जोन L, जोन N, जोन K1 और जोन J नोटिफाई हो चुके हैं। एक छठा जोन, जिसको जोन P1 के नाम से भी जानते हैं, उसको DDA जल्दी ही नोटिफाई करने वाली है, जो भी हाल फिलहाल में कॉरपोरेशन ने नोटिफाई कर दिया है, जिसमें अभी लगभग 3 से 4 महीने का समय और लगेगा। बाकी और मास्टर प्लान दिल्ली का लागू हो चुका है। सितंबर 2018 में इसको रिव्यू किया गया, उसके बाद से इस जोन के अंदर में जो गांव 3 भागों में बांटे गए हैं, सबसे पहला जिसको हम रेजिडेंशियल जोन कहते हैं, दूसरा जिसको हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, तीसरा जिसको हम LDRA कहते हैं। ग्रीन बेल्ट के वो गांव जो दिल्ली के बॉर्डर एरिया के साथ लगते हैं, जिसमें दूसरे राज्य की सीमा टच हो जाएगी, वह गांव ग्रीन बेल्ट के अंदर में चला गया है। LDRA वह गांव हैं जिन गांव के अंदर में ऑलरेडी फार्म हाउसेज काफ़ी संख्या में बने हुए थे, उन गांव को LDRA में कन्वर्ट किया गया है। DDA के मास्टर प्लान के अनुसार उन गांव के अंदर में एक एक एकड़ के फार्म हाउसेज बनेंगे, जिनमें आप 400 मीटर की एक कोठी, दो कोठी या 3 कोठी एक एकड़ में बना सकते हैं। 2 कोठी बनाने तक आपको 25,20,000 रुपये EDC के रूप में DDA में जमा कराने पड़ेंगे। 3 कोठी बनाने पर वह अमाउंट बढ़कर लगभग 98 लाख रुपए के पास हो जाएगा, जो आप DDA को देंगे, पे करेंगे। उसके बाद में आप 300-400 मीटर की कोठियां बना सकते हैं एक एकड़ में। रेजिडेंशियल जोन वो गांव होंगे जिनमें DDA पूरे सेक्टर का प्लान तैयार करके कंसोर्टियम को हैंडओवर करेगा। कंसोर्टियम उसको सभी किसानों को बांटेगा। सभी किसान जिसके पास आधा एकड़, एक एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ इसके अंदर में ज़मीनें हैं, वो इस पॉलिसी के अंदर जा सकते हैं। जो भी किसान इस पॉलिसी के अंदर जाएगा, उसको इसका अधिकतम फ़ायदा मिलेगा। इस पॉलिसी के अंदर सभी किसान पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दिल्ली का जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर में दिल्ली में रहने वालों को सभी मकान उपलब्ध कराना ये एक आवश्यक हो गया है, क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इससे सभी किसानों को यह फ़ायदा होगा कि वो इस पॉलिसी के अंदर जाएंगे तो उनकी ज़मीनों का मूल्य अच्छा मिलेगा और वो एक व्यापारी के साथ जुड़कर अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, जिससे उनको अधिकतम अपनी ज़मीनों की कीमतें मिल पाएंगी। दिल्ली में रहने वाले सभी लोग यहाँ मकान खरीद सकते हैं। उनको यहाँ पर लगभग 50 लाख रुपए से लेकर मिनिमम में अपने मकान की रिक्वायरमेंट पूरी होगी आने वाले समय में, जो 2019 में सितंबर से स्टार्ट होने की संभावना है और लगभग 2020 सितंबर में यहाँ पर ज़मीनी रूप पर कार्य शुरू हो जाएगा। दिल्ली के अंदर में जितने भी किसान
इस पॉलिसी के अंदर जाएंगे उसमें प्रत्येक सेक्टर के अंदर में लगभग 70% जमीन उनको डीडीए को सरेंडर करनी पड़ेगी, बाकी जो 30% जमीन बचेगी उसको डीडीए या तो सर्कल रेट पर या मार्केट की जो कीमत होगी दोनों में से जो कम होगा उस पर डीडीए एक्वायर करके उस पॉलिसी के अंदर उन जमीनों को ले जाएगा। दूसरी बात, यहाँ के डेवलपमेंट प्लान के अनुसार देहात में सभी लोगों को जो सबसे अच्छा फायदा होने वाला है उनको अपने नज़दीक में स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ सारे शिक्षा केंद्र, स्टेडियम, सिनेमाघर, मार्केट, ये सभी चीज़ें अपने आसपास मिलेंगी। उन गांव के किसानों को, गांव के लोगों को, किसी को भी शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आज के समय में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या ख़रीदारी करने के लिए या चिकित्सा सुविधा के लिए गांव के लोगों को शहर जाना पड़ता है, ये सभी सुविधाएं उनको अपने आसपास में मौजूद मिलेंगी। दूसरी बात, यहाँ के किसान सबसे अधिक इस बात का लाभ उठा सकेंगे कि उनके पास में सुविधा होने के साथ साथ में उन्हें रोजगार के भी संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो उनको रोजगार भी भरपूर मात्रा में मिलेंगे। आर जोन के अंदर में जो भी व्यक्ति अपना मकान खरीदना चाहता है उसको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति के पास में या उस संस्था के पास में जमीन है या नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस धोखाधड़ी से बचने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि जिस भी बिल्डर से या जिस भी व्यक्ति से, जिस भी संस्था से वो अपना फ्लैट खरीदना चाहता है, वो यह सुनिश्चित करे कि उसके पास वो ज़मीन है या नहीं है, जिसकी जानकारी वो व्यक्तिगत रूप से या डीडीए से भी मालूम कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ज़मीन डीडीए में सरेंडर करेगा उसी को उसके बदले वापस प्लॉट मिलेगा। उसको एरिया किस किस तरह मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी मैं संक्षेप रूप में बताना चाहूँगा। जिस व्यक्ति के पास मैं मानकर चलता हूँ 10 एकड़ ज़मीन है तो उसको 10 एकड़ ज़मीन के बदले 6 एकड़ ज़मीन वापस मिलेगी, जिसमें से उसको 53% अर्थात 5.3 एकड़ उसको रेजिडेंशियल जोन के लिए, 5% उसको कमर्शियल के लिए और 2% उसको इंस्टीट्यूशनल के रूप में ज़मीन डीडीए वापस करेगा, जो 10% का 60% हिस्सा बनेगा 6 एकड़। इस तरह से उसे कुल मिलाकर 60% ज़मीन वापस मिलेगी, जिसका डिवाइडेशन मैंने अभी बताया उस तरह से होगा। वह अपनी टाउनशिप के अंदर में जो भी मकान बनाएगा, जो भी प्लॉट उसको लोट होगा, वो डीडीए से उसको पास कराना होगा, जिसकी डीडीए ने आज के समय में ईडीसी आईडीसी के रूप में लगभग कीमत 2 करोड़ रुपये रखी है, जो डीडीए को देनी पड़ेगी। उस पर अभी डीडीए अपने अंतरिम रूप में विचार कर रहा है कि उस ईडीसी आईडीसी के हिस्से को कुछ कम कर दिया जाए। वो हो सकता है भविष्य में 1 करोड़ रुपये, 75 लाख रुपये या 100 करोड़ रुपये भी हो सकती है, जो डीडीए किसानों से या व्यापारियों से डेवलपमेंट के रूप में चार्ज करेगा वो कम होने की संभावना है। इसमें डीडीए उसके बाद नक्शा पास करेगा, नक्शा पास करने के अंदर में जो भी खर्चे आएंगे वो व्यापारी वर्ग को अर्थात बिल्डर को डीडीए को देने पड़ेंगे। इसके अलावा जब वह नक्शे पास करा लेगा उसके बाद में वो उस सेक्टर के अंदर में जो उसको प्लॉट अलॉट होगा उस पर वह डेवलपमेंट करेगा। इसलिए खरीदार इस बात का ध्यान रखें कि वो इन सब बातों को अपने बिल्डर से या अपनी सोसाइटी से या व्यापारी से जानकारी हासिल कर लें कि उसने ये सब चीज़ें अपनी सेंक्शन करा ली हैं कि या नहीं कराई हैं, क्योंकि इनको अभी सेंक्शन होने में लगभग 1 वर्ष का समय और लगेगा। उससे पहले आज ज़मीनों के भाव जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में हमें लगता है यहाँ ज़मीनों के भाव 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ रुपये एकड़ तक जा सकते हैं। इसलिए और जो लोग डेवलपमेंट करेंगे उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज़मीनें खरीद कर और इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि वह अपने वाले ग्राहक को सही ढंग से, सही तरीके से फ्लैट उपलब्ध करा सकें। व्यापारी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा क्योंकि उसको अपना पैसा सिक्योर होगा। एक तरह से दिल्ली की डेवलपमेंट एक बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और डीडीए ने इस पूरे प्लान को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है।
जिसको दुबई और संघाई के रूप में दिल्ली का पुनर्वास करना है, दोबारा से नई दिल्ली बनानी है, वो उसी प्रारूप से बना रहे हैं, उसी ढंग से बना रहे हैं और इसका प्लान वैसे ही तैयार किया गया है। इसमें एक NIA संस्था इन्वॉल्व की गई है जो पुणे से और मुंबई के रूपरेखा को उठाकर यहाँ कर लेकर आई है। उन लोगों ने बाहर विदेशों में इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके उस हिसाब से इस प्लान को बनाया है।